ओके स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नाउ द टॉपिक इज फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो अब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को अच्छे से पढ़ते हैं। फैराडे साहब ने जो लॉ बताया था उसी हिसाब से अब आपको हम फैराडेज लॉ बताएंगे, ठीक है। उन्होंने क्या किया, पहले बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे जो मैंने इसे पहले वाले वीडियो में डिस्क्रिप्शन अच्छा से दे दिया है कि कैसे उन्होंने बताया था कि एक क्लोज सर्किट है, क्लोज सर्किट में करंट को बढ़ाते हैं फिर घटाते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाता है ना। दूसरा एक और तरीका था कि क्वाइल ले लेते हैं फिर उसमें मैग्नेटो क्या करते हैं, मान लो ये क्वाइल है, ठीक है, ये मान लो क्वाइल है ना, ये क्वाइल है और यहाँ पर किसी मैग्नेट को हम क्या कर रहे हैं, लेके आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेट को लेके आ रहे हैं। तो ये इस क्वाइल, ये क्वाइल है क्या, ये मेटल का क्वाइल है जो गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है। अगर हमने किसी मैग्नेट को इसके नजदीक लाते हैं तो इसमें क्या हो रहा है, इंड्यूस्ड करंट आ रहा है, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इंड्यूस्ड करंट आ रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जा रही है। मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्यों चेंज हो रही है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जा रही है, ठीक है। तो अगर मैंने इसको नजदीक लाया तो भी इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रही है, अगर मैंने फिर इसको दूर लेके जा रहे हैं तो इसमें करंट फिर प्रोड्यूस हो रही है, और इस तरह से प्रोड्यूस हो रही है, अपोजिट डायरेक्शन प्रोड्यूस हो रही है कि मैग्नेट को दूर न ले जाए। जब मैग्नेट नजदीक आना चाह रहा था तो मैग्नेट को क्या चाहता था, एक दूर चले जाए, जब मैग्नेट दूर जा रहा है तो ये नजदीक आना चाह रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होती है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होती है, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होती है, बशर्ते ये एक क्लोज सर्किट होना चाहिए। अगर ये क्लोज सर्किट है तो ही इसमें क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट आएगी, अन्यथा इंड्यूस्ड करंट नहीं आएगी, ठीक है। दूसरी बात, अगर इससे गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है तो इसमें इंड्यूस्ड करंट पता चल जाएगा, डिटेक्ट हो जाएगा गैल्वेनोमीटर से, ठीक है। तो ये बात भी मैंने बता दिया, तो इससे एनर्जी पता चल रहा है, मैं इसको यहां से यहां लेके आ रहा हूं मतलब एनर्जी खपत हो रही है, या ये कॉइल धर जा रहा है मतलब एनर्जी खपत हो रही है, ठीक है। एनर्जी खपत हो रहा है, एक्चुअली एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल पे है, ये ऐसा चीज नहीं है कि इलेक्ट्रिक करंट अपने आप प्रोड्यूस हो रही है। एक्चुअली एनर्जी इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एनर्जी क्या हो रही है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। इसी टाइप से एक और क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूं आपको, एक कॉइल है, मान लो करंट कैरिंग कॉइल है, सॉरी ये कॉइल है, सिंपल सा कॉइल है कॉपर का, और ऊपर से मैं एक मैग्नेट को ऊपर से नीचे गिरा रहा हूं, ऊपर से नीचे गिराऊंगा तो क्या इसकी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इस कॉइल क्या सेम रहेगी, क्या सेम रहेगी, जरा सोच के बताओ। जब ये कॉइल को मैं नीचे करूंगा तो क्या होगा, इसमें इंड्यूस्ड करंट होगी, और इंड्यूस्ड करंट चेंज को अपोज करने के लिए नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, इसका नॉर्थ पोल ये, तो नॉर्थ पोल एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो यहाँ पे जब ये मैग्नेट इस कॉइल के नजदीक आ रहा है तो इसको रिपेल करेगा, मतलब इस जगह के एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से भी इसका एक्सीलरेशन कम होगा। फिर ये जब यहाँ नीचे आ रहा है, जब ये नीचे यहाँ आ रहा है ना, तो फिर क्या करेगा, अब ये दूर जाना चाह रहा है, दूर जाने की वजह से फिर इसमें करंट इस तरह से इंड्यूस होगा कि अब ये साउथ पोल है अगर, तो वो क्या करेगा, नॉर्थ पोल बन जाएगा, ऊपर खींचना चाहेगा, उस कंडीशन में भी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दोनों कंडीशन उसकी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो जाती है, लेकिन जब बीच में जब आती है तो क्या हो जाती है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही उसका एक्सीलरेशन रहता है, इस मैग्नेट की एक्सीलरेशन हो जाएगी। तो ये बेसिक चीजें हैं जो जानना आपको जरूरी है। तो ये हम चलते हैं अभी फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वी आर नॉट स्टडिंग अबाउट द इलेक्ट्रो फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडे साहब का इलेक्ट्रोलाइसिस का जो लॉ है, जो कानून है, जो नियम है, जो शर्त है, वो हम नहीं पढ़ रहे हैं। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, नाउ द करेंट टॉपिक इज फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जस्ट वी आर थिंकिंग अबाउट द फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो होती है, ये एक फिनोमिनन होती है, ये कैसी फिनोमिनन होती है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग सोचेंगे, समझेंगे, जानेंगे। तो सबसे पहले उसका हम डिफिनेशन पढ़ते हैं कि ये एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होती क्या है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नेचर में ऑब्जर्व किया हुआ एक ऐसी फिनोमिनन है जिसका सबसे पहले मैं आपको डिफिनेशन लिखाना चाहूंगा। ये क्या है, ए फिनोमिनन, इट इज जस्ट ए फिजिकल फिनोमिनन और नेचुरल फिनोमिनन। It is just a natural phenomenon in which there is an induced EMF. In the circuit, either it is open or closed. Whenever there is change in flux associated with that circuit or moving conductor. ठीक है, समझिए बात। क्या है ये फेनोमेनन, इन विच एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड व्हेन देयर इज चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए सर्किट। ठीक है,
linked with a circuit or a moving conductor which cuts the magnetic flux when it moves through the magnetic field. तो मैंने कल ही बताया था कि एक रॉड जो है पास हो रहा है, पास होते होते और उससे कनेक्टेड हमने एक वायर ले रखा था, तो उससे दिखाया था कि जब ये फ्लक्स वो वायर जो है फ्लक्स को क्या कर रही है, फ्लक्स उसका इंक्रीज कर रहा था. कैसे इंक्रीज कर रहा था? उसकी एरिया एक्चुअली बढ़ रही थी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ नहीं रहा था. उस समय भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुई थी और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आया था. ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ आना जरूरी है, इस बात को समझिए. ये एक ऐसे फेनोमेनन है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, या एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ऐसी फेनोमेनन है जिसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आए. ईएमएफ क्या होती है? ईएमएफ होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. एक्चुअली ये पोटेंशियल डिफरेंस है, एक्चुअली ये पोटेंशियल डिफरेंस है. ठीक है, ये अभी हम इसको क्या समझेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट. इलेक्ट्रिक सर्किट के दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को अभी हम ईएमएफ कहेंगे. ठीक है, ईएमएफ जिसको हम लोग दूसरे वर्ड में डिफाइन करते थे इलेक्ट्रिक क्या इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग डिफाइन करते थे ना ईएमएफ को, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस. क्या डिफाइन करते थे? मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट. नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट मतलब ऐसा समझिए एक ऐसा फेनोमेनन है जिसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रही है, जिसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रही है, ना बैटरी लगाने की जरूरत भी नहीं है. यहां बैटरी भी नहीं है, लेकिन ये मैग्नेटिक फ्लक्स जैसे ही चेंज करता है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी सर्किट से जुड़ा हुआ अगर चेंज करेगा तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा. ईएमएफ इंड्यूस्ड होने का मतलब यह है कि उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो होती है वो क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाती है. तो जो चीज पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है वो क्या होगा, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी हो जाएगा. इलेक्ट्रिक करंट होगी तो हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस हो जाएगी. तो इलेक्ट्रिक करंट कब प्रोड्यूस होगी, जब वो सर्किट क्लोज रहेगा तब. ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें इस तरह से समझना है. तो ये ईएमएफ का मतलब ही समझ गए होंगे कि अब ये ईएमएफ जो है एक बैटरी की तरह काम करेगी. नाउ दिस ईएमएफ विल एक्ट एज ए सेल और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स कॉल्ड बैटरी. ये एक बैटरी की तरह काम करेगी जो क्या करेगी, पोटेंशियल डिफरेंस देगी. और पोटेंशियल डिफरेंस जानते हैं बहुत सारा काम होता है, इलेक्ट्रिक करंट भी सर्किट में जाती है. ठीक है, लेकिन अगर सर्किट ओपन है तो करंट नहीं जा सकता, लेकिन अगर सर्किट क्लोज है तो इलेक्ट्रिक करंट उसमें मूव करेगी. तो सर्किट कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है. सर्किट अगर ओपन है तो सिर्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, इंड्यूस्ड करंट उसमें जीरो आएगा. याद रखिएगा, अगर सर्किट ओपन है तो इंड्यूस्ड करंट क्या होगा उसमें, जीरो, लेकिन इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो नहीं आएगा. ठीक है, दूसरा बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैं समझाऊंगा आपको. लेकिन अगर क्लोज सर्किट है, अगर कोई क्लोज सर्किट है तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट आएगी, क्योंकि क्लोज सर्किट में ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है. ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट कब फ्लो करती है, जब सर्किट क्लोज होती है. अगर क्लोज नहीं है तो इलेक्ट्रिक करंट उसमें फ्लो नहीं करती है. ठीक है, तो चलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझेंगे. जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, जो फैराडे साहब का लॉ था, ये लॉ क्या कहता है उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं. ओके, चलिए, ये फैराडे साहब का जो लॉ है वो क्या कहता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, उसकी मैग्नीट्यूड हम कैसे मेजरमेंट करेंगे, उस मैग्नीट्यूड जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस है, उसके मैग्नीट्यूड को हम लोग कैसे पता करेंगे. तो उसके मैग्नीट्यूड को पता करने के लिए हमने क्या किया, मेजरमेंट करके देखा गया कि जो रेट है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो रेट है समय के साथ कैसे चेंज करता है. रेट मतलब क्या, किसी के साथ चेंज कर, रेट मतलब कैसे चेंज करता है वो चीज उसकी दर क्या है, उसकी कॉस्ट क्या है, उसकी कीमत क्या है. तो समय के साथ कैसे चेंज कर रहा है, तो क्या चेंज कर रहा है भाई समय के साथ, क्या समय के साथ चेंज कर रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स समय के साथ कैसे चेंज कर रहा है. तो मैग्नेटिक फ्लक्स का समय के साथ चेंज करने वाले जो रेट मेजरर का जो रेशियो है डी फाइव बी बाई डी टी, दिस इज कॉल्ड ई एम एफ, इंड्यूस्ड ई एम एफ. ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड मतलब जितना ज्यादा होगा ना, ये क्वांटिटी जितनी ज्यादा होगी इंड्यूस्ड ई एम एफ भी उतनी ज्यादा होगी. मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज ज्यादा हो और समय में भी चेंज बहुत ज्यादा हो, मतलब ये क्वांटिटी क्या हो गई, कम हो गई. ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है और टाइम बहुत कम है, तो टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा. ये भी बहुत सारे केसेस है इसमें इंड्यूस्ड, ये देखिए
चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कम है, समय बहुत ज्यादा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बहुत कम होगा, या समय बहुत कम है और ये ज्यादा है तो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ बहुत ज्यादा होगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, टाइम पे भी डिपेंड कर रहा है। कम समय में ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करे उसमें भी, उस कंडीशन में भी इंड्यूस्ड ईएमएफ बहुत ज्यादा होगा। ज्यादा समय में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कम होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कम होगा, ठीक है। तो ये तो रेट हमने बताया, ये इंस्टेंटेनियस रेट है, ये d5e/dt ये जो हमने इंस्टेंटेनियस रेट बताया है, ठीक है, ये इंस्टेंटेनियस रेट है। तो एवरेज रेट क्या है, एवरेज रेट क्या है, एवरेज रेट है डेल्टा 5e/डेल्टा t का मतलब क्या होता है, जो टाइम इंटरवल है वो स्मॉल भी है, लार्ज भी है, वेरी वेरी लार्ज भी है, वेरी लार्ज भी है, लेकिन dt जो है वो क्या है, वेरी वेरी स्मॉल है, वेरी वेरी स्मॉल, टेंस टू जीरो, टेंस टू जीरो। जब डेल्टा टी टेंस टू जीरो हो जाता है तो ये टर्म हम लिखते हैं, डिफरेंशियल टर्म लिखते हैं। ये कितना बार मैं आपको बता चुका हूं कि ये टाइम इंटरवल डेल्टा टी टेंस टू जीरो आ जाएगा ना तो यही चीज आ जाएगा। तो इससे, इस एवरेज पार्ट से भी आप इंस्टेंटेनियस पार्ट को निकाल सकते हो। व्हेन डेल्टा टी टेंस टू जीरो, ये टाइम इंटरवल बहुत बहुत कम हो जाता है तो हम इंस्टेंटेनियस रेट को मेजर करते हैं, दैट इज कॉल्ड डी फाइव बी बाई डी टी। ये इस रेट को हम लोग मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। टाइम इंटरवल बहुत कम होना चाहिए तो हम इंस्टेंटेनियस रेट को भी बता सकते हैं। तो इस तरह से हमने जो बताया वो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज एक्चुअली रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ की मैग्नीट्यूड मैथमेटिकली हम अगर निकालना चाहते हैं तो इतना ही आता है, जस्ट एक रेशियो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम टी, दिस इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस EMF, ये instantaneous EMF है, जितनी भी होगी instantaneous है, ये average है, ठीक है। तो जो भी है मैंने आपको बता दिया, अब चलते हैं क्या है पहला लॉ, तो मैंने समझ गए कि ये पहला लॉ है जो मैथमेटिकली मैंने आपको बता दिया कि induced EMF और magnitude of induced EMF is directly proportional to change in magnetic flux with respect to time t, ठीक है। समय के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे चेंज कर रहा है, किस रेशियो से चेंज कर रहा है, ये मैग्नीट्यूड इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू को बताता है, मैग्नीट्यूड को बताता है, है ना। तो ये तो बता दिया, चले कोई दिक्कत नहीं है। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि फ्लक्स भी स्केलर क्वांटिटी, टाइम भी स्केलर क्वांटिटी, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, चलिए। और इसकी जो ऐसा यूनिट है क्या होगी, वोल्ट होगा, क्या होगी, वोल्ट। अगर ये वोल्ट है तो आप समझ सकते हो वोल्ट इंटू सेकेंड, इससे पहले भी पढ़ चुके थे मैग्नेटिक फ्लक्स इंटू, ये वोल्ट इंटू टाइम सेकेंड, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहे थे इससे पहले भी, ठीक है। चलिए तो अब चलते हैं डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगी उसको डिसाइड करना है। तो वो डिसीजन मैंने इससे पहले ही बता दिया था, वो डिसीजन नेचर में छोड़ दिया जाता है कि नेचर क्या चाह रहा है, नेचर के पास कितनी एनर्जी अवेलेबल है, वो नेचर डिसाइड करती है। नेचर क्या करेगी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन इस तरह से देगी, इस डायरेक्शन में देगी कि जो चेंज होना चाह रहा है उस चेंज को अपोज करेगा, नेचर उसको होने नहीं देना चाहेगा, नेचर जस्ट उसको अपोज करेगा, उसको होने नहीं देना चाहेगा, क्योंकि अपोज करना वहां जरूरी है, क्योंकि नेचर के पास एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं है, नेचर एनर्जी को पैदा नहीं करता, नेचर के पास एक लिमिटेड एनर्जी है और उसी लिमिटेड एनर्जी को ये खपत करना चाह रहा है, तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। लेकिन अगर नेचर ने सपोर्ट कर दिया, यहां देखिए इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर सपोर्ट कर दिया नेचर ने, तो करंट बढ़ता जाएगा और संसार में एनर्जी बढ़ती जाएगी। यहां देखिए डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज टू अपोज द चेंज दैट कॉजेज इट। देखिए इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ की इस तरह से होगी कि जो चेंज इस फेनोमेनन को होने दे रहा है उसे अपोज करेगी, जो चेंज इस फिनोमेनन को होने दे रहा है उसको अपोज करेगी। मतलब ये समझिए कि ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन है वो एक्चुअली मैग्नेटिक फ्लक्स जो अगर बढ़ रहा है तो उसको घटाने की कोशिश करेगी, मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगी, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को जब अपोज करेगा और कुछ भी नहीं होता है, सीधी सी बात ये समझो कि जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है ना उसी को अपोज किया जाता है। मैग्नेटिक फ्लक्स अगर बढ़ रही है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन इस तरह से होगी कि जो चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स में इंक्रीमेंट हो रही है उसको डिक्रीमेंट होने दिया जाए,
बढ़ने नहीं देना चाहेगा, लेकिन अगर घट रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स, तो उसको भी बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, किसी कारणवश अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में डिक्रीमेंट हो रही है तो वो इस तरह से इंड्यूस्ड ईएमएफ की रिएक्शन हो जाएगी कि मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ाए। भी जब अपोजिशन करता है, निगेटिव साइन को क्या हम कहते हैं, अपोजिशन कहते हैं। ठीक है, और जो ये बताता है वो लेंज लॉ बताता है। इसको बताने वाले कौन साहब थे, तो लेंज साहब ने इसको बताया था, इसीलिए उनके नाम पे ये इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन को हम लोग पता करते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी कि वो चेंज को अपोज करना चाहेगा, मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करना चाहेगा। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब अगर इंक्रीमेंट हो रही है मैग्नेटिक फ्लक्स में तो डिक्रीमेंट की कोशिश करेगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ की रिएक्शन इस तरह से कि डिक्रीमेंट करे। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीमेंट हो रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज कर रही है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की रिएक्शन इस तरह से होगी कि उसको इंक्रीज कर सके, ये जस्ट अपोज करती है, जिस लॉ को हम लोग लेंज लॉ कहते हैं। ठीक है, जिस लॉ को हम लोग लेंज लॉ कहते हैं। तो हमने ये पढ़ा कि जो फैराडे साहब का लॉ जो था दो चीजों से जुड़ा हुआ था, मैग्नीट्यूड से भी जुड़ा हुआ था और डायरेक्शन से भी जुड़ा हुआ था। दोनों चीजों को मिला करके जो हमने बनाया यहां पर, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज नेगेटिव ऑफ डी फाई बाई डी टी। ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है भाई, नेगेटिव साइन के पार ये मैग्नीट्यूड को बता रहा है, जो सर्किल हमने घेरा ये मैग्नीट्यूड को बता रहा है। ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, ये नेगेटिव साइन बता रहा है ये कि जो चेंज होना चाह रहा है ना, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रही है उसकी डायरेक्शन अपोजिट टू मैग्नेटिक फ्लक्स होगी। ये डायरेक्शन बता रहा है, ये नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगी उसके जस्ट अपोजिट में ये आएगी। नेगेटिव साइन यही बता रहा है और कुछ भी नहीं बता रहा। ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है यहाँ पर, यहाँ पर ये नहीं बता रहा है कि ईएमएफ घट रही है। नेगेटिव साइन का मतलब किसी स्टूडेंट के मन में अगर ये आए कि सर यहाँ नेगेटिव साइन लगा हुआ है इसका मतलब ईएमएफ घट रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि ये नेगेटिव साइन सिर्फ मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को अपोज करता है, टाइम को अपोज नहीं कर सकता। टाइम पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये बढ़ेगा भी घटेगा नहीं, घटने वाला चीज नहीं है, कॉन्स्टेंट भी नहीं रहने वाला, बढ़ने वाला चीज है, घटने वाला चीज नहीं, ये निगेटिव नहीं आएगा, ये अपोज हो सकता है, ये इसको अपोज किया सकता है, ये घट सकता है। तो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगी, इसको हम दूसरे वे में ये भी लिख सकते हैं, अगर एवरेज में लेके जाएं तो हम कैसा लिख सकते हैं भाई, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, हम कुछ इस तरह से इसको लिख सकते हैं, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रही है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन उसके अपोजिट में होगी, यही निगेटिव साइन बता रहा है। ठीक है, और निगेटिव अगर बढ़ रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की मैग्नीट्यूड ज्यादा होगी, लेकिन डायरेक्शन जो होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ की वो इस तरह से होगी कि वो चेंज नहीं होने देना चाहेगा। बात को समझिए, यहां मैग्नेटिक फ्लक्स समय के साथ अगर बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा बढ़ रही है, लेकिन निगेटिव साइन का मतलब यह है कि ये निगेटिव साइन उस मैग्नेटिक फ्लक्स को नहीं बढ़ने देना चाह रही है। निगेटिव साइन का मतलब यही है, अपोज कर रही है, इस बात को समझिए। लेकिन अगर यही मैग्नेटिक फ्लक्स अगर डिक्रीज कर जाए तो, क्या होगा, अगर तेजी से डिक्रीज कर जाए तो क्या होगा, तो ये जो डिक्रीज करेगी ना, ये जो वैल्यू डिक्रीज करेगी, तो डिक्रीज मतलब निगेटिव पॉजिटिव, तो डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी, पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब इस तरह से इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी कि ये जो डिक्रीमेंट हो रही थी मैग्नेटिक फ्लक्स में या डिक्रीमेंट हो रही थी उसको ये क्या करती है, सपोर्ट करती है। तो साइन यहां घटने बढ़ने से मतलब नहीं, यहां डायरेक्शन अपोजिट से मतलब, यहां निगेटिव साइन डायरेक्शन से मतलब, सपोर्ट से मतलब, अपोज से मतलब। तो ओवरऑल ये निगेटिव साइन अपोज करता है उस चेंज को जो उस फिनोमेनन को होने दे रहा है। ठीक है, उस चेंज को, उस काउज को अपोज कर रहा है जो इस फिनोमेनन को होने दे रहा है, निगेटिव साइन यही बता रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर देखिए यहां सर्किट क्लोज्ड है, तो उससे जुड़ा हुआ करंट भी कुछ न कुछ आएगी, लेकिन करंट अगर क्लोज सर्किट नहीं है, ओपन सर्किट है, तो करंट क्या होगी, जीरो।
तो यहाँ देखिए अगर क्लोज सर्किट है तो करंट क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस, इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस, इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस, इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब d∅dt बाय रेजिस्टेंस। तो ये जो क्वांटिटी हमने यहां से यहां रखा ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है बाय रेजिस्टेंस। तो यहां देखिए इंस्टेंटेनियस हमने करंट बताया, करंट है इसको हम क्या लिख सकते हैं, dq / dt लिख सकते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट बिल्कुल लिख सकते हैं। तो d∅dt तो यहां dt से dt कैंसिल हो जा रहा है, तो dt से dt को उड़ाइए, ठीक है, यहां dt से dt को हम उड़ाते हैं तो क्या हमारे पास आंसर आ रहा है, अगर हम जीरो टाइम से जब मैग्नेटिक फ्लक्स phi1 था तो चार्ज कितनी थी, जीरो, और जब एक मैग्नेटिक फ्लक्स phi2 आ जा रहा है, यहां देखिए r बाहर आ जा रहा है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो यहां पर phi1 और ये phi2, phi1 मैग्नेटिक फ्लक्स पहला शुरुआती दौर में जब टाइम इक्वल चार्ज जीरो था, और phi2 क्या है जब चार्ज q है, टोटल चार्ज q है। तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हम लिख सकते हैं ना, चार्ज जीरो टू चार्ज इतना, तो उसको क्या लिख सकते हैं, phi2 माइनस phi1 बाय क्या r। तो ये जो आप चार्ज देख रहे हो, जो चार्ज इतनी मूव कर रही है, इंड्यूस्ड ईएमएफ या जो भी चार्ज आपको दिख रहा है, ये चार्ज क्या है एक्चुअली, इट इज जस्ट द रेशियो ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स बाय रेसिस्टेंस है। ये देख लीजिए ये चार्ज कैसी है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स बाय रेसिस्टेंस है, और ये चार्ज टाइम पे डिपेंड नहीं करता, दिस चार्ज डज नॉट डिपेंड अपॉन द टाइम, ये चार्ज टाइम से स्वतंत्र है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द टाइम, ये चार्ज टाइम पे डिपेंड नहीं करता। देख लीजिए इस चार्ज को, ये एक ऐसी चार्ज है जो टाइम पे डिपेंड नहीं करती, और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उससे जुड़ा हुआ एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी जुड़ी होगी, ये जो चार्ज है इससे जुड़ा हुआ एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, ठीक है। तो जो चार्ज जुड़ा हुआ है या जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है इससे जो फील्ड जुड़ा हुआ है वो भी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो फील्ड नहीं होगा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ठीक है, बात समझ में आ रही है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड थी वो नहीं है, ये कुछ और है जो हम अभी पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, ठीक है। चलिए फिर इसके आगे हम लोग और भी डिस्कशन करेंगे, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होती है, ठीक है, ओके।